हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको काला पानी की सज़ा के बारे में बताऊंगा कि काला पानी की सज़ा क्या होती है और कैसे दी जाती थी। दोस्तों, काला पानी की सज़ा का नाम सुनकर खौफज़दा हो जाते हैं लोग। आखिर ऐसा क्या होता है इस जेल में काला पानी की सज़ा नाम कर सुनकर जो लोग खौफज़दा हो जाते हैं। तो आज की इस कड़ी में मैं आपको इसके बारे में ही बताऊंगा। तो दोस्तों, 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत सारे अत्याचार किए। उनकी सबसे क्रूर सज़ा में से एक थी काला पानी की सज़ा। आखिर ऐसा क्या था इस सज़ा में, इसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंडमान निकोबार पर बनी जेल में आज भी काला पानी की दर्दनाक दास्तान गूंजती रहती है। आज ये एक राष्ट्रीय स्मारक है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों के दर्द की कहानी आज भी यह जेल सुनाती है। भारत जब गुलामों की बेड़ियों में बंधा हुआ था, अंग्रेजी सरकार भारतीयों पर जुल्म कर रही थी। हजारों सेनानियों को फांसी दे दी गई, उन्हें तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। इसके लिए अंग्रेजों के पास सेल्युलर जेल का अस्त्र था और इसे ही काला पानी की सज़ा कहते हैं। इसी जेल में भारतीयों को काला पानी की सज़ा दी जाती थी। इस जेल को सेक्युलर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ एक कैदी से दूसरे कैदी को बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी। यहाँ का अकेलापन कैदी के लिए सबसे डरावना होता था। दोस्तों, ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम कुछ दिन के लिए अपने ही घर में अकेले नहीं रह सकते। और वहाँ पर तो स्वतंत्रता सेनानियों को कई सालों तक एक अकेली कोठरी में रखा जाता था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उनको दिमागी तौर पर कितना टॉर्चर किया जाता होगा। और यहाँ ना जाने कितने भारतीयों को फांसी की सज़ा दी गई और कितने मर गए, इसका तो कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। लेकिन आज भी लोगों के जेहन में काला पानी शब्द भयावह रूप से बस गया है। यह शब्द भारत में सबसे बड़ी और बुरी सज़ा देने के लिए एक मुहावरा बना हुआ है। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर सिटी में स्थित इस जेल की चार दीवारी इतनी छोटी थी कि इसे आप आसानी से पार कर सकते हैं। पर यहाँ की जो है बाउंड्रीज थी, ये जो स्थान था, ये चारों ओर गहरे समुद्री पानी से घिरा हुआ था, जहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर पानी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो अगर कोई भागना चाहता तो भी वहाँ से नहीं भाग सकता था। यहाँ का अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट कैदियों से अक्सर कहता था कि जेल की दीवार इरादतन छोटी बनाई गई है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से आप जा सकें। सबसे पहले 200 विद्रोहियों को जेलर डेविड बैरी और मेजर जेम्स पैंटिसन वॉकर की सुरक्षा में यहाँ लाया गया था। उसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची से लाया गया। भारत और बर्मा से भी यहाँ सेनानियों को सजा के बतौर लाया गया था। सुदूर द्वीप होने की वजह से यह विद्रोहियों को सजा देने के लिए अनुकूल समझी जाती थी। उन्हें सिर्फ समाज से अलग करने के लिए यहाँ नहीं लाया जाता था, बल्कि उनसे जेल का निर्माण, भवन निर्माण, बंदरगाह निर्माण आदि के काम में भी लाया जाता था। यहाँ आने वाले कैदी ब्रिटिश शासकों के घरों का भी निर्माण करते थे। 19वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा, तब यहाँ कैदियों की संख्या भी बढ़ती गई। सेल्युलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में बनकर तैयार हुआ। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से यहाँ लाई गई, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है।
इस भवन की 7 शाखाएं हैं और बीचों बीच एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नज़र रखी जाती थी। ऊपर से देखने पर यह साइकिल के पहिए की तरह ही दिखाई देता था। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जा सकता है। और यहाँ पर कैदियों को जो सजाएं दी जाती थीं उनमें उनको तोप के गोलों पर बांधकर उड़ा देना, उनको एक अकेली कोठरी में अपने जीवन का कारागार में रहते हुए ज़्यादा समय बिताना, उनसे बैल कोल्हू की तरह काम कराना, उनसे सारे ही काम कराए जाते थे, यहाँ तक कि उनको वहाँ पर मजदूरी भी करनी पड़ती थी। तो दोस्तों, ये थी काला पानी की सज़ा। एंड फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड इस वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा हमारे वीर जवानों के लिए। धन्यवाद।